असला वेलकम टू माई न्यू वीडियो आज की वीडियो में हम बनाएंगे लॉन की प्यारी सी फ्रॉक कटवर्क के डिजाइन के साथ इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैं दो तरह का फैब्रिक यूज करूँगी एक तो है ये लॉन का फैब्रिक, ये है नेट का एम्ब्रॉयडरी वाला स्टफ, फैंसी है खूबसूरत है और इसको हम स्लीव्स में यूज करेंगे सबसे पहले हम अपने डिजाइन को बनाने के लिए उसकी बॉडी की शेप का पैटर्न काट लेते हैं इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक चार्ट पेपर पेन पेपर कटिंग सीजर इंच स्टेप जैपनीज स्केल एंड फ्रेंच कर्व साइज बना रही हूँ ये है मीडियम साइज़ आप अपनी बॉडी की शेप के हिसाब से मेजरमेंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं पहले सबसे पहले हम शोल्डर का पान लगाएंगे ये रेडी का साइज होगा सेवन इंचज़ और इसकी लेंथ रखेंगे हम नाइन यहां से फिटिंग का निशान लगाएंगे यहाँ से वन इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर की कटिंग के लिए यहां से भी वन इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर की राउंड शेप के लिए अब हम अपनी बॉडी की लेंथ रखेंगे अगर आपके पास जैपनीज स्केल और फ्रेंच कर्व ना हो तो सबसे पहले घबराना नहीं है किसी भी सिंपल स्केल के साथ आप निशान लगा सकते हैं अपने पैटर्न पर वेस्ट से हम अपनी फिटिंग रखेंगे सेवन इंचेस ये रेडी का साइज होगा निशान लगाएंगे यहाँ से हमने निशान लगा लेने के बाद फोर इंच का यहाँ सेंटर से निशान लगाएंगे यहाँ से वन इंच का निशान लगाएंगे यहाँ से अपनी वेस्ट के साथ और इस तरह से इसको शेप दे लेंगे ये वाली कटिंग करने से साइडों से जो फ्रॉक लटकती है वो नहीं लटकेगी बल्कि फ्रॉक की इवन एंड ब्यूटीफुल शेप आएगी फ़्रॉक की बॉडी का पैटर्न रेडी हो चुका है मेरे पास ये जो कपड़े की लेंथ मौजूद है ये एक सिंपल ढाई गज़ की लॉन्ग की शर्ट पीस है जिससे हम बहुत ही कम कपड़े में एक प्यारी सी फ्रॉक बना लेंगे उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी फ्रॉक की बॉडी का पैटर्न जो हमने कट किया था उससे इसके ऊपर रखते हैं और अपनी फ्रॉक की बॉडी को काट लेते हैं फ्रंट और बैक की सिलाइयाँ लगा कर इन दोनों पीसेस को आपस में अटैच कर लेते हैं मशीन से हमने सिलाई लगाई और इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ लिया उसके बाद इसके ऊपर हम एक और सलाई लगाएंगे इसको बिठाने के लिए इस तरह से अब हम अपने फ्रॉक की बॉडी की फ्रंट नेक लाइन बना लेते हैं इसके बाद इसको फिक्स करेंगे फ्रॉक की बॉडी की कटिंग कर लेने के बाद अब जो हमारे पास मौजूद है कपड़े की लेंथ वो है ट्वेंटी नाइन इंचज अब जो हमने अपनी फ्रॉक की फॉल के लिए पीस लिया था दो पीसेस लेकर इस तरह से सी लिया तरह से अरेप फोल्ड करेंगे अरे फोल्ड करने के बाद सिलाई वाले पार्ट को निकाल देंगे फिफ्टीन इंचेस का हाफ़ लेंगे सेवन पॉइंट फाइव इंचज़ पर यहाँ पर हम सिक्स पॉइंट फाइव इंचज़ पर निशान लगाएंगे, सिक्स पॉइंट फाइव पर हम निशान लगाएंगे, इसकी लेंथ नापेंगे नाइन इंचज़ यहाँ से भी नाइन इंचेस का निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब पहले हम इसको गोल्डन पाइपिंग कर लेते हैं हमारी फ्रॉक का ये फॉल वाला पार्ट है इसकी हमने चारों तरफ पाइपिंग कर ली है फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से साथ रख कर नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लेंगे उसके बाद हम पैच पैचवर्क का डिज़ाइन रेडी करेंगे हमारी फ्रॉक की फॉल की हमने चारों तरफ पाइपिंग कर ली है अब बारी है इसके इस कॉर्नर पर डिज़ाइन बनाने की इस वाले कॉर्नर पर वर्क के साथ हम डिज़ाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए पहले उस डिजाइन का पैटर्न काट लेते हैं सबसे बड़े वाला पैच बनाने के लिए हमें उसकी लेंथ चाहिए पेपर की सेवन इंचेस और इसकी विथ हमें चाहिए फाइव इंचेस एक्स्ट्रा की कटिंग कर लेंगे अब इसको फोर फोल्ड करेंगे इस तरह से फोल्ड करने के बाद लाइन लगाएंगे पॉइंट सेवन हमारे मेन पैच का पैटर्न तैयार है दूसरा साइज बना लेते हैं दूसरे वाले साइज के लिए हमें उसकी पेपर की लेंथ चाहिए फाइव इंचेस और इसकी हमें विथ चाहिए थ्री पॉइंट फाइव इंचेस वो होगी पॉइंट फाइव इंच अब जो हमारे तीसरे साइज का पैटर्न है उसकी लेंथ होगी थ्री पॉइंट फाइव इंचिस और इसकी विथ होगी टू पॉइंट फाइव इंचिस बड़े वाले पैटर्न के हमने टू पीसेस काटे जो ये मिड वाला जो पैटर्न है इसके हमने फोर पीसेस काट लिए हैं और ये जो स्मॉल वाला पैटर्न है इसके भी हमने टू पीसेस काटे हैं अब अब हम ये वाले जो पेस्टिंग पेपर के ऊपर हमने ये पैच वर्क के पीसेस काटे हैं इसको हम इसके कपड़े के ऊपर आयरन की हेल्प से फिक्स कर लेते हैं पेस्टिंग पेपर का जो पैटर्न हमने काटा था कपड़े के ऊपर चिपका लिया उसे आयरन की हेल्प से और कटिंग कर ली है अब इसके किनारों को हम ग्लू स्टिक की हेल्प से सिक्योर करेंगे इस तरह से फ्रॉक की बॉडी के साथ ये वाला पार्ट हमारा अटैच होगा और ये जो फ्रंट ओपन हमने रखा है इसके नीचे कपड़ा लगा कर इसे इस तरह से फिक्स कर लेंगे ये कॉर्नर इधर हम ये डिज़ाइन लगाएंगे इस तरह से ये पैच हम इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे पर इसको लगाने के लिए उल्टी वाली साइड पर इसे इस तरह से हम हाफ ऑफ फोल्ड करके निशान लगा लेंगे इस तरह से ये निशान लगाने के बाद इस पैच को यहाँ रखेंगे पिंज की हेल्प से इसको इस तरह से लगा लेंगे मशीन की मदद से हमने इन पैचेस को फ़िक्स कर लिया है इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई लगाई और ये चारों फ़िक्स कर लिए हैं हमने अब इसकी कटिंग करेंगे ये हमने अपनी फ्रो या हमने इसकी हमने शर्ट की बैक साइड पर इसको लगाया है अब इसकी कटिंग करके कर इसको सीधा कर लेते हैं पैचेस की हमने किनारों किनारे पर मशीन की मदद से सिलाई लगा ली है अब बॉडी की डिजाइनिंग की बारी यह फ्रॉक की बॉडी का फ्रंट पार्ट है इसकी नेकलाइन ऑलरेडी बन चुकी है बैक शोल्डर भी मैंने अटैच कर ली है बट अब मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर गोटा पट्टी से चेक कर डिजाइन बनाऊ उसके लिए हम निशान लगा लेते हैं ये हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और इसको फ्रॉक के फॉल के साथ अटैच कर लेते हमारी फ्रॉक की सिलाई का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमने गोटा पट्टी जो है मशीन की मदद से ये चेक का डिज़ाइन बना लिया है गोटा पट्टी के साथ अब हम इसके अंदर ये पत्तियाँ लगाएंगे इसी तरह से पूरी बॉडी पर एक के बाद एक लोग छोड़कर हम गोटे की पत्तियां लगाते जाएंगे और पूरी बॉडी को फिलअप कर लेते हैं अब ये फ्लावर्स के अंदर ये वाले स्टोन्स uh, लगाएंगे इसकी साइडों पर हम ये गोटे की पत्तियां लगाएंगे ये वाले मोती हम लगाएंगे और इसे इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं